नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। मछली पकड़ने गई महिला की हुई मौत। समरोध निवासी चुनती बाई मछली पकड़ने को ली गई थी, तभी उसका अचानक पैर फिसल गया, जिससे उसके सिर पर चोट आने से वह पानी में गिर गई, जिसकी डूबने से मौत हो गई। बता दें कि चुनती बाई को तैरना आता था, फिर भी उसकी मौत हो गई। वो मछली पकड़ने गई थी, वहाँ पे तो क्या हुआ था, तो एक छोटा मोड़ा इतना बड़ा था, वो साथ में आता, तो वो मोड़ा कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे घूम के ऐसे गिर गई, तो वो ऐसे ही गिरी बताए। तो उसको तैरना नहीं आता था क्या महिला को? नहीं, तैरना आता था। फिर सिर के बार गिरी है? एक ही बार वाली गिरी। कई बार बोते मैं लाती थी, आते तीसरे दिन जाती थी। क्या नाम था महिला का? चुनती बाई। माँ कालका शक्ति संगठन द्वारा निकाला गया विशाल चल समारोह। माँ कालका शक्ति संगठन निचला बाजार द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी माता कालका का विशाल चल समारोह निकाला गया। इस चल समारोह में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। चल समारोह की शुरुआत में महिलाएं एवं युवतियां सिर पर 64 खप्परों को सर पर रखकर आगे चल रही थी। चल समारोह में बैंड बाजे एवं डीजे की धुनों पर श्रद्धालु थिरकते हुए नजर आए। चल समारोह के मध्य में माता काली की प्रतिमा को श्रद्धालु अपने कंधे पर लेके चल रहे थे। साथ ही चल समारोह में माता काली की विशाल प्रतिमा वाहन के ऊपर रखी हुई थी। चल समारोह निचला बाजार, नई सड़क, सुगन चौराहा, सदर बाजार, हाट रोड होता हुआ कैंट के रास्ते सिंहवासा तालाब विसर्जन के लिए पहुंचेगा। इस चल समारोह की भव्यता देखते ही बनती थी। चल समारोह का जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं प्रसादी वितरण भी किया गया। Thank you.
सिटी कॉलोनी के रहवासी को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा। विरोध दर्ज करने पर पहुंचे अस्पताल। मनीष अग्रवाल ने बताया कि उसकी पत्नी और उसकी साली को पास के ही रहने वाले ब्रिजेश सैनी, दीपक नामदेव और जगदीश नामदेव अक्सर अश्लील छेड़छाड़ एवं टिप्पणियां करते थे, जिसका विरोध करने पर तीनों ने मिलकर मनीष के साथ मारपीट कर दी। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एवं आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। मेरी पत्नी और मेरी साली दोनों बाहर बैठी थी, तो ब्रिजेश सैनी और ये दीपक नामदेव और ये जगदीश नामदेव, ये तीनों गंदी निगाह रखते हैं और कई बार अश्लील कमेंट भी करते हैं। आए दिन ये लोग परेशान करते हैं। आज हमने विरोध किया, इनने विरोध तो इनके साथ मारा, फिर छेड़छाड़ करी। मैं गया तो उन्होंने मुझे पकड़ करके पटक दिया, हाथ पैर बांध, हाथ पैर पकड़ के मुझे खून मारा, मुझे घिसट दिया और छाती में लात मारी, छाती में इंजोर डेमेज, एक्सरे हुआ अभी। ये स्थिति इनका, आए दिन गुंडागर्दी करना, इनका काम है चोरी की लाइट जलाना। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। हाँ, FIR। ग्राम पंचायत धाननखेड़ी में युवा झांकी समिति धाननखेड़ी में लगातार 11 वर्ष से लगती आ रही है झांकी। यहां दूर दूर से लोग, भारी संख्या में लोग दर्शन का लाभ लेते हैं। श्री नवदुर्गा झांकी समिति द्वारा माता रानी के दरबार में अष्टमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों ने नृत्य प्रस्तुति दी एवं भक्तगणों द्वारा खीर की प्रसादी का वितरण भी किया गया। त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल कर दर्शाया कि पुलिस के सब कंट्रोल में है। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाहता। इसी कड़ी में शहर के मुख्य मार्गों से यह फ्लैग मार्च निकाला गया। मकसूदनगढ़ के नसीरपुर हाई स्कूल के जन शिक्षकों की बड़ी लापरवाही आई सामने। नसीरपुर के हाई स्कूल के जन शिक्षा केंद्र में स्कूली बच्चों को बांटने वाली किताबें पटक दी गई कमरे में धूल खाने के लिए, और बच्चे तरसते रहे किताबों को। और बच्चों को बांटने वाले दूध के पैकेट भी जन शिक्षा केंद्र के शिक्षकों ने बच्चों को नहीं बांटा, पड़े पड़े ही दूध के पैकेट एक्सपायर हो गए। बात यहीं तक होती तो भी ठीक थी। हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जब जन शिक्षा केंद्र के दो शिक्षक बाबू सिंह मीना और बबलू मेहरा की लापरवाही कहे या दादागिरी, इन दोनों शिक्षकों ने नसीरपुर हाई स्कूल के जन शिक्षा केंद्र के हाजिरी पर पिछले 3 महीनों से साइन नहीं की है, फिर भी इनके अकाउंट में हर महीने शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा वेतन डाली जा रही है। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत भी साफ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जन शिक्षा केंद्र के शिक्षकों पर अब तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शिकायत के बाद तहसीलदार अपनी टीम के साथ नसीरपुर हाई स्कूल के जन शिक्षा केंद्र पहुंचे और जन शिक्षा केंद्र के कमरे में जिसमें किताबें और दूध के पैकेट पड़े हुए थे उस कमरे को सील कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर को भी इस मामले से अवगत कराया गया है, जिससे कि निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो सके। Thank you.
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानस भवन समिति द्वारा नवदुर्गा महोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में इस वर्ष भी विशेष पूजा अर्चन कर हवन पूजन किया गया। मानस भवन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष नवरात्रि पर नवान पारायण और हवन और प्रतिदिन का पारायण पूजन होता है। यह जब से मानस भवन का निर्माण हुआ है लगभग 30 वर्षों से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 6 माह में यह कार्यक्रम नव पूजा दुर्गा पूजा का होता रहा है, होता रहेगा। और यह पूजन में समिति द्वारा संकल्प लिया जाता है कि यह नगर हित में, गरीबों के हित में संकल्प के साथ पूजन पाठ होता है, जिससे ये नगर के लोग खुशी रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना मानस भवन समिति की रहती है। और हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं कलेक्टर वी विजय दत्ता जी, उनका हमको सारे कार्यक्रमों में सहयोग मिलता है। समिति उनका भी इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करती है। आरोन के पास तकरीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम शाले माता के नाम से जाना जाता है, जहां दूर दूर से आना होता है श्रद्धालुओं का। शाले वाली माता 3 बार रूप बदलती है। माता सुबह बालिका का रूप रहता है, दोपहर महिला का रूप रहता है और शाम को बूढ़ी माता का रूप धारण करती है। माता के पुजारी ने बताया कि वर्ष भर में एक बार मेला लगता है हरियाली अमावस्या को। लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं एवं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि पर्व एवं हरियाली अमावस्या को भंडारे का आयोजन होता है। बताया जाता है कि अशोकनगर से सोनारा से माता को शाले विराजमान किया गया था। एक संत के द्वारा 5 पीढ़ियों से माता की पूजा अर्चना की जाती है। कब से कर रहे हैं इसकी पूजा? हमारी 5 पीढ़ी हो गई। 5 पीढ़ी। और माता जी की विशेषता क्या है यहाँ की? यहाँ 3 रूप बदलते हैं माता जी। कितने रूप? 3। कब कब बदलती हैं? सुबह, दोपहर, शाम। अच्छा, ये हमेशा इसी चला आ रहा है जब से ही? हमेशा ही चला आ रहा है। और यहाँ जो भक्त लोग आते हैं उनकी मन्नत के बारे में? पूरी होती है ना मन्नत। अच्छा, लगभग 300-400 साल पुराना है। 150 वर्ष। और यहाँ से मानता है कि सोनेरा का जो पहाड़ है वहाँ से स्वप्न देख के प्रकट हुई थी माता जी। तरावली खेड़ा। तो वहाँ से फिर इनके जो पूर्वज हैं जी, जिला समाधि जी लाए थी माता जी। लाए। आप कब से आ रहे हैं पूजा करने? हमारी लगभग 5 पीढ़ी हो चुकी है। जब से मंदिर स्थापित हुआ है तब से अपन आ। आप क्या अनुभव करते हैं माता के दरबार में? मेरा अनुभव यही है, 10 वर्षों से मैं हूँ यहाँ पे। तो माता के 3 रूप हैं। अच्छा, सुबह बाल रूप रहता है, शाम को गुर हो जाता, दोपहर में गुर हो जाता है और शाम को शांत रूप रहता है। मेरा यहाँ यही रहते हैं कि और कहीं से आते? मैं 9 दिन नहीं कर नहीं वैसे रहने रहने वाले पन आरण के हैं, मगर अपना जो चढ़ा रहा है ना नवरात्रि का। लगभग 150 वर्ष पुराना ये मंदिर है, जिस जगह अपन बैठे हुए जी जिंदा समाज जी, इन्हीं को स्वप्न देख माता जी तरावली खेड़ा मोजा जो आपके उसके का है वो तो बाजीपुर के पास है आई थी और 5वीं पीढ़ी का मैं इस मंदिर का महंत हूँ। इतने इसको समय इस मंदिर को लोग कहाँ से आते हैं पूजने के लिए? माता के दरबार जो जो जिनकी आस्था है गणमन से सब आते, पूरे जिला गुना आता है, कुछ विदिशा से भी आते हैं और अन्य क्षेत्रों से भी आते हैं। जो इधर के लोग बाहर पहुँच गए जैसे इंदौर पहुँच गए वहाँ रहने लगे, वहाँ से भी आते हैं। मेला मेला कब भरता अपने मंदिर में? मेला कभी नहीं, केवल एक दिन हरियाली अमावस्या श्रावण में। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता के लिए?
का संदेश देश है, बढ़िया है, सब आनंद है, सबको भगवत जी खुश रखें और का यही हमारी मनोकामना। हारों से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। म्याना में इन दिनों रामलीला की धूम है, यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पुराने कलाकारों के मार्गदर्शन में इसका मंचन किया जा रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला का मंचन देखने के लिए म्याना के अलावा आसपास के ग्रामीण भी आते हैं। आज की रामायण में भरत मिलाप का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया। रामलीला का आयोजन गणेश कला मंडल गणेश मोहल्ला म्याना में किया जा रहा है। पिताश्रम कहाँ है मुझे दिखा दो, और सीता साहेब श्री रामचंद्र और कहाँ है। अरे भैया संसार में केकई ने क्यों जन्म लिया, और जन्म लिया भी तो वह निपुत्री क्यों नहीं हो रही। भैया पिताजी स्वर्ग में और भैया राम वनवास को इन सब अनर्थों का कारण मात भारत के वचन सुन साथे शरण है। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। छोटे से गांव में भी पलते हैं बड़े विचार, जो कि सनोतिया में लगाई गई मां जगदम्बे की झांकी में देखने को मिला, जिसमें युवाओं विक्की रिंकू जितेंद्र अभिषेक नंदकिशोर मुकेश विवेक हेमराज गोलू रवि राजू ब्रजेश अजय सुनील तरुण मंजू गिरिराज प्रकाश आदि के द्वारा झांकी में महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें गरीब कुमार को रोजगार देने के मकसद से 1100 दीपक खरीदे गए। बालक एवं बालिकाओं ने आह्वान किया कि दीपावली पर अपने गांव में बनने वाले दीपक व मिट्टी के बर्तन खरीदें, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवारों तक खुशियां पहुंचाएं, स्वदेशी अपनाएं, देश को समृद्ध बनाएं। धर्नावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। गायत्री मंदिर पर चल रहे नवदुर्गा महोत्सव का आज समापन किया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के बाद हवन एवं नन्ही बच्चियों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर धर्मप्रेमी बंधुओं के साथ साथ मंदिर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नवरात्रि महोत्सव चल रहा था, 9 दिन का विशेष कार्यक्रम यहाँ होती है जिसका आज समापन हुआ है, जिसमें 5 कुंडी यज्ञ कार्यक्रम और विभिन्न भिक्षा संस्कार कुंचवन संस्कार विवाह संस्कार आदि संस्कार कराए जाते हैं। आज के दिन जो 9 दिन से हमारे यहाँ साधना चलती है उसका आज पूर्ण आहुति दी जाती है, जिसके माध्यम से हम ये प्रार्थना सभी से प्रार्थना करते हैं कि मैत्री परिवार सदैव सभी वर्ग सभी समाज सभी धर्मों को लेकर चलने वाला है। हम परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि सबको सदबुद्धि सदज्ञान और सद्भावना, साथ ही हाँ आज कन्या भोज का भी भोजन प्रसादी और सभी साथियों को भोजन प्रसादी। बालाभेट गांव में नवरात्रि के 8वें दिन महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें जय मां वैष्णो देवी समिति के सदस्यों ने अपने अपने घरों से 9 दीपकों के साथ थाली सजाकर माता की महाआरती की, जिसमें हजारों की संख्या में महाआरती में शामिल होकर समिति का उत्साहवर्धन किया गया। यह समिति 15 साल से भी अधिक समय से माता की झांकी लगाती आ रही है। मैया
फतेहगढ़ में अवैध रूप से बनी दुकानों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां एक और कुछ दिन पूर्व वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरपंच ने अवैध रूप से रातों रात दुकानें तैयार कर ली थीं। इसी कड़ी में आज तहसीलदार ने पहुंचकर मौके पर से दुकानों के आगे लगे शटर हलवाए। लेकिन इस कार्रवाई के बाद बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला कि जब दुकानें बनाई जा रही थी तब ग्रामीणों को कैसे पता नहीं चला। दूसरा, इन दुकानों के साथ ही कई और लोगों के मकान हैं जो दो और तीन मंजिला इमारतों में तब्दील हो चुके हैं, वह भी अतिक्रमण में आते हैं। प्रशासन इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसता। तीसरा, क्यों प्रशासन केवल एक तरफा ही कार्रवाई करता है। इस पूरे क्षेत्र में कई दुकानें और मकान ऐसे हैं जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। इन मकान मालिकों एवं दुकानदारों के पास इनके कागज तक नहीं है। अब देखने लायक होगा कि ये पूरा मामला क्या रंग लाता है। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।